बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अब खाना बनाना होगा बिल्कुल आसान। आइए मिलके बनाएं आसान पकवान। इतनी मज़े की और यूनिक रेसिपी आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ 2 अंडे, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और शामिल करेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा चिकन और वेजिज़ का मिक्सचर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तमाम मसाला जात मैंने डाले हैं 1/4 टीस्पून, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सुरख मिर्च, काली मिर्च और सब्ज प्याज। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे घरों में आमतौर पर होता ये है कि जो ब्रेड के किनारे उतारे जाते हैं, या तो उन्हें फेंक दिया जाता है या उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए जाते हैं, लेकिन आज हम इसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार करेंगे। तो इनको हम ब्रेड क्रम्स नहीं बनाएंगे, इनके जो ब्रेड के किनारे हम उतारेंगे उनको हम यूज़ करेंगे इस ऑमलेट के अंदर। आज हम ब्रेड का ऑमलेट बनाएंगे लेकिन बिना ब्रेड के। अच्छे से इनको भी अंडों के साथ मिक्स कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन के अंदर, और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको अच्छे से फैला देंगे पूरे पैन के अंदर। आँच यहाँ पे बिल्कुल आपने लो रखनी है फ़िलहाल। अच्छे से हम इसको फैला देंगे, फिर आँच यहाँ पे मीडियम लो कर देंगे, यानी दरमियानी से थोड़ी सी कम रखेंगे आँच यहाँ पे हम। एक या 2 मिनट के लिए दोनों साइड से इसे हम अच्छे से पकाएंगे। अब इसको हम पलट लेंगे दूसरी साइड पे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। दूसरी साइड से हम इसको ऐसे ही पका लेंगे। आँच यहाँ पे दोबारा हल्की कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें लेनी है जी सबकी मनपसंद और दिल अजीज चीज़। चीज़ किसको पसंद नहीं होती, हसब ज़रूरत हम डालेंगे यहाँ पे मोज़रेला चीज़। उसके ऊपर डालेंगे कटी हुई बंद गोभी, उसके ऊपर दोबारा से डालेंगे चीज़, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से इसमें डालेंगे चीज़, और दूसरी साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, तो चलिए फटाफट से किचन में जाइए और इसे बनाइए और मज़े से इंजॉय कीजिए। अब इसको काट के सर्व कीजिए, अच्छे से खाइए, मज़े से इंजॉय कीजिए। इससे ज़्यादा और बेहतरीन आमलेट आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। इस महंगाई के दौर में कुछ भी फेंकना गवारा नहीं कर सकते हम, तो ब्रेड के किनारे फेंकिए मत। या तो उसे ब्रेड क्रम्स बना लीजिए, या उसे कोई अच्छी सी और मज़े की रेसिपी बना लीजिए, जो भी आपके किचन में अवेलेबल हों चीज़ें उनसे ही। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें चीज़ डालें, जो कुछ भी आपके किचन में अवेलेबल है उससे ही बन जाएगी बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी। तो देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है ये ऑमलेट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। सांसों ने मोहलत दी और ज़िंदगी ने साथ दिया, तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।